हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है, वरन अभी है, कि मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु खुद के बारे में बता रहा है, वो परमेश्वर का पुत्र था और वो अपने बारे में बता रहा है कि परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ को जो सुनेंगे ऐसे मृतक जीवित हो जाएंगे, जिएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बता रहा है कि वह समय आता है, वरन अभी आ गया है, कि मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे और जितने सुनेंगे उतने जिंदा हो जाएंगे। दुनिया के लोगों को बाइबल में मरे हुए लोग कहा गया है, मृतक, मरे हुए लोग। कौन है मरे हुए लोग और किन के बारे में प्रभु यीशु बता रहा है कि मरे हुए लोग अर्थात मृतक परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का हर मनुष्य जो पाप में डूबा हुआ है, दुनिया का हर मनुष्य जो पाप करता है, वह परमेश्वर की नज़र में एक मरा हुआ व्यक्ति है, वह एक लाश के समान है, वह मृतक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप करने वाला हर मनुष्य परमेश्वर के सामने एक मरा हुआ मनुष्य है और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि मरे हुए लोग उसकी आवाज़ को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिंदा हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल के सबसे पहले किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था उसे आज्ञा दी थी कि बगीचे के सारे पेड़ का फल तुम खा सकते हैं, पर जो बीच में पेड़ है उसका फल कभी न खाना, उसका फल नहीं खाना, ऐसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। और ये आज्ञा देते समय ये चेतावनी भी दी थी कि यदि तुम उसको खाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे। दुनिया के पहले मनुष्य को परमेश्वर ने ये बताया था, आज्ञा दी थी और आज्ञा के साथ साथ ये चेतावनी दी थी कि इस पेड़ के फल को मत खाना जो बगीचे के बीचों बीच है, यदि उसका फल खाओगे तो मर जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की इस एकमात्र आज्ञा का मनुष्य पालन नहीं कर पाया और जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था बिल्कुल उसी फल को उसने खा डाला। परमेश्वर ने उसे पहले ही बताया था कि यदि उसको खाओगे तो मर जाओगे, और जैसा कि परमेश्वर ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। उसी समय आदम मर गया, पर वो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में मर गया। कुछ सालों के पश्चात वो शरीर में मर गया, पर जिस घड़ी उसने उस फल को खाया उसी घड़ी वो आत्मा में मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया में आने वाला हर एक मनुष्य पाप करता है और पाप के कारण वो आत्मा में मर जाता है।
हम चारों तरफ दुनिया में लोगों को देख रहे हैं, हम अपने आप को भी जीवित महसूस करते हैं और हम कहते हैं ये इतने सारे लोग जीवित है तो परमेश्वर उनको मरे हुए लोग क्यों कहता है। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर की नजर में लाश के समान है। जो कोई पाप में डूबा हुआ है वह एक मृतक मनुष्य है, मरा हुआ मनुष्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लाश को देखते हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति रहता है, लाश होती है, उसे भी हमारी तरह आंखें होती है पर वो देख नहीं सकता है। उसे भी हमारी तरह हाथ होते हैं पर अब वो अपने हाथों को हिला नहीं सकता है और कुछ काम नहीं कर पा सकता है। उसके पास भी पैर होते हैं पर वो चल नहीं सकता है। एक लाश और एक जिंदा मनुष्य, उनमें क्या फर्क होता है? लाश के पास भी आंखें होती है पर वो देख नहीं सकता है। लाश के पास भी कान होते हैं पर सुन नहीं सकता है। लाश के पास भी हाथ होते हैं, पैर होते हैं पर वो अपने हाथ पैर को हिला नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता है। और एक जीवित मनुष्य जो लाश से बिल्कुल अलग होता है, जो अपने आँखों का इस्तेमाल करता है, देखता है, कानों का इस्तेमाल करता है, सुनता है, हाथ का इस्तेमाल करता है, पैरों का इस्तेमाल करता है, काम करता है, चलता है, फिरता है, भाग दौड़ करता है, पर जो लाश होती है उसके पास भी ये सारे अंग होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्कुल इस लाश के समान आज दुनिया के मनुष्यों का जीवन बन चुका है। दुनिया के लोग एक मरे हुए व्यक्ति के समान बन चुके हैं। और ये मैं नहीं बता रही हूं बल्कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। बाइबल हमें सिखाती है कि पाप करने वाले लोग मरे हुए लोग होते हैं। पाप करने वाले लोग एक लाश की तरह होते हैं। जैसे कि एक लाश अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, कितना भी बड़ा कोई प्राणी उसके पास आएगा या मच्छर भी उसको काटेगा वो कुछ नहीं कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही आज मनुष्य की हालत बन चुकी है। मनुष्य पाप करते जाता है, यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है, परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताते रहता है और इसके कारण वो आत्मा में पूरी तरह से मर जाता है। हम देखते हैं कि सालों साल दुनिया के लोग यही कर रहे हैं, पाप करते हैं और पाप के बाद उसका नतीजा उठाते हैं, पाप करते हैं, पाप करने के बाद नतीजा उठाते हैं। तो भी आगे आने वाले लोग सोचते नहीं है कि इसने बुरा काम किया था इसलिए उसको इतना दुख उठाना पड़ा तो मैं ये काम नहीं करूँगा, कोई नहीं सोचता है। एक जवान बेटा शादी होने के बाद अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करता है, माँ का सम्मान नहीं करता है, पिताजी का सम्मान नहीं करता है, उनको जो प्यार देना चाहिए वो प्यार वो देता नहीं है, वो अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से बर्ताव करता है, उसके माँ बाप रोते हैं और ये सोचते हैं कि हमने कितने बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चे को बड़ा किया और ये बच्चा अभी शादी होने के बाद हमें भूल गया, ना हमसे प्यार करता है, ना हमारा सम्मान करता है, ना हमारी किसी प्रकार की परवाह करता है। माँ बाप इस बात को लेकर बहुत रोते रहते हैं और इसी हालत में बूढ़े होकर वे मर जाते हैं। ये जवान लड़का जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने माँ बाप को सच्चा प्यार नहीं दिया, ये जब भी बूढ़ा हो जाता है तभी उसकी हालत क्या अच्छी रहती है? ये जब भी बूढ़ा हो जाता है तभी उसकी हालत भी वही तो हो जाती है। उसने अपने माँ बाप को प्यार नहीं दिया तो इस तो इसके बुढ़ापे में उसको प्यार कहाँ से मिलेगा? इस पर भी प्यार करने वाला कोई नहीं होता है। जैसे कि इसने अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव किया था, बिल्कुल वैसा ही बुरा बर्ताव बुढ़ापे में इसके साथ भी हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सालों साल दुनिया में यही चलते आ रहा है। लोग पाप करते हैं, पाप का नतीजा उठाते हैं, पाप करते हैं, पाप का नतीजा उठाते हैं। और आगे आने वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें तो इस रास्ते से नहीं चलना चाहिए, इन लोगों ने बुरा काम किया तो उनके जीवन में बुरा असर हो गया तो अभी हमें नहीं करना चाहिए। सोचता कौन है? जो जिंदा होता है वो सोचता है। क्या मरा हुआ मनुष्य सोच सकता है? क्या लाश विचार कर सकती है? यदि मनुष्य जीवित है तो वो सोच सकता है,
यदि जीवित है नहीं तो सोचेगा कैसे। हम अहंकार से भरे हुए लोग हैं, पापों से भरे हुए लोग हैं, अधर्म से भरे हुए लोग हैं, सारे बुरे काम करते हैं, बाद में बुरे कामों का नतीजा उठाते हैं, तो भी सावधान नहीं होते हैं, तो भी होश पे नहीं आते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है और ये सच है कि पाप करने वाला हर मनुष्य एक लाश के समान होता है, वो मृतक होता है, मरा हुआ मनुष्य होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने जिंदगी के बारे में सच्चा विचार नहीं करते हैं, लोग अपने जिंदगी के बारे में कुछ सोचते नहीं है। हम बस इतना ही जानते हैं कि सुबह उठना, दिन भर काम करना, पैसा कमाना, इसको फंसाना, उसको फंसाना, इसको लूटना, उसको लूटना, इतना ही हम जानते हैं। खाना पीना, आराम करना, चैन के साथ रहना, इतना ही हम जानते हैं। बिल्कुल हमारा जीवन एक जानवर के समान बन चुका है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु ने दुनिया के लोगों को मृतक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। मरे हुए लोग हैं हम, पापी लोग, मरे हुए लोग हैं, क्योंकि वे सच्चाई के बारे में सोचते नहीं है। मेरे साथ आगे क्या हो जाएगा, बाद में मेरा क्या हो जाएगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। दूसरी बात, लोगों को कोई भी फंसा सकता है, कोई भी डरा सकता है। दुनिया की हालत देखो, कितने सारे लोग फंस गए हैं, कितने सारे लोग डर गए हैं, कितने सारे लोग जीवन में निराश हो चुके हैं। लोग फंस रहे हैं, डर रहे हैं, निराश हो चुके हैं। यदि उनमें जीवन होता, परमेश्वर का जीवन उनमें होता, तो वे डरते नहीं, वे फंसते नहीं, वे निराश नहीं होते। दुनिया में कोई भी आदमी आकर दूसरों को फंसा सकता है, कोई भी आके दूसरों को डरा सकता है, कोई हमें कहता है कि इस कीटाणु से तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, हम डरते हैं, इस कीटाणु से तुम्हें ये बीमारी आ जाएगी, हम डरते हैं, हम इतनी सारी बातें सुनते हैं और डर जाते हैं, हम सारे बातों से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर डर इतने जल्दी आ जाता है, निराश भी हम इतने जल्दी हो जाते हैं और कोई भी हमें बहुत जल्दी फंसा सकता है। वजह यह है कि हम आत्मा में मरे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि इस पेड़ के फल को खाओगे तो यकीनन मर जाओगे। आदम ने उस फल को खा लिया और उसी क्षण वो आत्मा में मर गया। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि इस पेड़ के फल को खाओगे तो यकीनन मर जाओगे, और जब ही उसने उस फल को खा डाला वो मर गया, आत्मा में मर गया। इसीलिए सबसे पहली बात हो गई कि परमेश्वर बगीचे में आ गया, क्योंकि वो आदम के साथ हर दिन बातें करता था। जब ही वो आदम के साथ बातें करने के लिए बगीचे में आया, तभी उसने आदम को नहीं पाया, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो छिपा हुआ था। वो परमेश्वर की नज़र से अपने आप को छिपाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मैंने बहुत बड़ा धर्म किया है, मैंने शैतान का सुनकर परमेश्वर के दिल को दुख दे दिया है, और इसीलिए वो पेड़ के पीछे छिपा रहा। और पहली बार परमेश्वर को सवाल करना पड़ा कि आदम तू कहाँ है, और जवाब आ गया कि मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये मनुष्य की हालत है। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका है, पाप में डूब गया है, और वो एक बिल्कुल लाश के समान बन चुका है। कोई भी आकर हमें फंसाते हैं, कोई भी आकर हमें डराते हैं, और किसी के द्वारा भी बताए गए शब्दों को सुनकर हम निराश हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने दुनिया के लोगों को मृतक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। पाप में रहने वाले लोग मरे हुए लोग हैं। पर प्रभु आगे कहता है कि मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र के शब्द को, उसकी आवाज को, उसकी बात को सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे।
जो परमेश्वर के पुत्र के शब्द को अर्थात प्रभु यीशु के शब्द को सुनेंगे वे सारे जिंदा हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी बातों में जीवन है, उसके शब्दों में जीवन है, उसके वचनों में जीवन है। और जो कोई उसके शब्द को सुनता है, जो कोई उसकी बातों को सुनता है, उसके आवाज को सुनता है, वे मरे हुए लोग सारे के सारे जीवित हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप के कारण मनुष्य मर जाते हैं, पाप के कारण वे आत्मा में पूरी तरह से एक लाश के समान बन जाते हैं। पर जितने सारे लोग प्रभु यीशु के शब्द को सुनते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, वे सारे लोग आत्मा में जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के शब्दों में जीवन है। उसके शब्दों के द्वारा हमारी आत्मा में जीवन आता है, उसके वचनों के द्वारा हमारी आत्मा में जीवन आता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी शहर में जाता था और वो उपदेश करता था, तब बाइबल में लिखा गया है कि उसके उपदेश को सुनकर लोग अचंभित हो जाते थे और बहुत खुश भी हो जाते थे। प्रभु की बातों को सुनकर लोग बड़े खुश हो जाते थे। क्यों खुश हो जाते थे? प्रभु की बातें लोगों के दिल को तसल्ली देती थी। प्रभु की बातें, प्रभु के शब्द, प्रभु यीशु के वचन लोगों के दिल को बड़ी शांति देते थे। प्रभु यीशु के शब्द उनके हृदय में एक बड़ा आनंद लाते थे। दुनिया हमें कहती है कि इस कीटाणु से आपको बीमारी होती है, उस कीटाणु से आपको बीमारी होती है, आपको इस चीज से सावधान रहना चाहिए, उस चीज से सावधान रहना चाहिए, और न जाने एक नहीं कितनी सारी हजारों बातें कहाँ करते हैं कि इनसे सावधान रहना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। प्रभु यीशु धरती पर आया तभी उसने लोगों को कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने डराने की बात नहीं की, उसने बीमारी की बात नहीं की, उसने परेशानी की बात नहीं की, बल्कि वो विश्राम की बात कर रहा है, आत्मा के विश्राम की बात। तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब लोग प्रभु की इस बात को सुनते थे, उनके दिल में एक बड़ी शांति आ जाती थी। कोई तो है जो हमारी परवाह करता है, कोई तो है जो हमसे प्यार करता है, कोई तो है जो हमें इस दुख और दर्द भरी जिंदगी में विश्राम दे सकता है। तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस बात को सुनकर लोगों को कितना आनंद हुआ होगा, कितनी खुशी लोगों के दिल में आई हुई होगी। प्रभु यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यद्यपि मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। उसके इस वचन के द्वारा हमें कितनी बड़ी उम्मीद मिलती है, हमें कितनी बड़ी आशा मिलती है कि ये धरती का जीवन हमारा पल भर का जीवन है। हम कल के बारे में नहीं जानते हैं, हम परसों के बारे में नहीं जानते हैं, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि यदि हमने उस महान परमेश्वर पर विश्वास किया है तो हम यहाँ मर भी गए तो भी उसके साथ हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे अंतिम दिन मैं ही जिंदा उठाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की बातें लोगों के दिल में बड़ी शांति लाती थी। प्रभु के वचन लोगों के जीवन में बड़ा आनंद लाते हैं। आप प्रभु के वचनों को पढ़ो, आपके दिल में शांति आ जाएगी। आप प्रभु के बातों की ओर ध्यान लगाओ, आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, डर आपके दिल से निकल जाएगा। जितनी हम दुनिया की बातें सुनते जाते हैं, जितना हम दुनिया का आवाज सुनते जाते हैं, उतना हमारे दिल में डर पैदा होता है, उतने हम निराश हो जाते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु की बातों को सुनते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, तब हमारे दिल में शांति आती है, हमारे जीवन में खुशी आती है, हमारे दिल में सच्चा आनंद आता है, क्योंकि प्रभु यीशु की बातें, उसके शब्द, उसके वचन जीवन देने वाले वचन है।
उसके शब्द जीवन देने वाले वचन है, और ये साबित करने के लिए प्रभु यीशु ने कितने सारे मरे हुओं को जिंदा करके दिखाया, जो शरीर रूप में मर गए थे उनको भी प्रभु ने जिंदा करके ये साबित कर दिया कि उसके वचनों में, उसके शब्दों में ये ताकत है कि वो हमें उसके वचनों के द्वारा केवल शरीर में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लाजर नाम का एक मनुष्य था जिसे मरकर चार दिन बीत चुके थे। जब ये आदमी बीमार था तभी प्रभु यीशु को बुलाया गया था, पर प्रभु वहां पर नहीं गया। उसके बाद बीमारी बढ़ने के कारण ये मनुष्य मर गया, और उसके मरने के बाद प्रभु उसके गांव में पहुंच गया। तब तक उसको मरकर चार दिन बीत चुके थे, उसकी लाश को कब्र में रखा गया था और प्रभु उस कब्र के पास गया। सब लोग मन में ये सोच रहे थे कि जब ही ये मनुष्य बीमार था तभी इसको बुलाया गया था, ये नहीं आया। अभी इसको मर के चार दिन हो गए, अभी आकर ये क्या करेगा। प्रभु यीशु कब्र के सामने खड़ा है, उस गांव के लोग वहां खड़े हैं और मन में सोच रहे हैं कि इसको कब का बुलावा भेजा था, जब ही लाजर बीमार था तभी इसको बुलाया गया था, ये आया नहीं। अभी इसको मर के चार दिन हो चुके हैं, अभी यीशु क्या करेगा। लोग आपस में बोल रहे थे, उस मनुष्य की जो मरा हुआ लाजर था उसकी बहनें भी वहां पे आ गई, और एक बहन ने प्रभु से ऐसा भी कहा कि यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। यदि आप यहाँ होते, जब ही वो बीमार था तभी हमने आपको बुलावा भेज दिया था, यदि आप तब आए होते तो हमारा भाई न मरता। पर प्रभु यीशु ने उसे जवाब दिया कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु ने कब्र के ऊपर जो पत्थर धरा था उसे हटाने के लिए कहा। लोगों ने पत्थर को हटा दिया, और पत्थर को हटाने के बाद प्रभु ने ऊंची आवाज में कहा, लाजर बाहर आ जा। और जैसे ही प्रभु ने आवाज दी, बाइबल कहती है जिसे मरकर चार दिन बीत चुके थे वो जीवित होकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक नगर में जा रहा था और सामने से कुछ लोग आ रहे थे, एक मरे हुए जवान लड़के को लेकर आ रहे थे, उसको दफनाने के लिए लोग लेके जा रहे थे। प्रभु ने देखा एक जवान लड़का मर गया है और लोग उसको दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं। वहां ऐसी एक औरत का बेटा है जो विधवा है, और जो मर गया है वो उसका इकलौता बेटा है। वो औरत इतना रो रही थी कि उसके आंसू प्रभु को देखे नहीं गए। प्रभु का दिल तरस से भर गया, वो उस औरत के पास गया और उसने उससे कहा, मत रो। और फिर प्रभु ने उस लाश से कहा, बेटे मैं तुझे कहता हूँ उठ। और बाइबल कहती है तुरंत उसने आंखें खोली और वो लड़का जिंदा हो गया, और प्रभु ने उस जीवित लड़के को अपनी माँ के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक घटना में पढ़ते हैं कि याईर नाम के एक मनुष्य की 12 साल की जवान बेटी बीमार हो गई थी और वो प्रभु के पास बुलाने के लिए आ गया। वो प्रभु को ये बोल रहा था कि आप मेरे बेटी के सर के ऊपर आकर हाथ रखो ताकि वो ठीक हो जाएगी। जब प्रभु के पास ये मनुष्य आया था और प्रभु को बुला रहा था, प्रभु तुरंत उठा और उसके साथ जाने के लिए निकला। पर प्रभु के आसपास बहुत भीड़ थी, जाते जाते देरी हो गई, क्योंकि जाते जाते भी कुछ घटना हो गई जो वहाँ पर लिखी गई है, वहाँ भी बहुत सारा समय गया। तब तक उसकी लड़की घर में मर गई, और वहाँ से कुछ लोग बताने के लिए आ गए, अभी प्रभु को घर पे मत बुलाओ क्योंकि बेटी तो मर चुकी है। पर प्रभु यीशु ने उस मनुष्य की ओर देखा जिसकी बेटी मर चुकी थी, उसके घर से लोग बताने के लिए आ गए कि अभी बुलाने की, प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बेटी मर चुकी है। प्रभु ने उस मनुष्य की ओर देखा, न कि जो बताने के लिए आए थे उनकी ओर देखा, ये मनुष्य की ओर देखा, लड़की का बाप, और उसे कहा, डर मत, सिर्फ विश्वास रख।
डर मत, सिर्फ विश्वास रख, इतना प्रभु ने उसको कहा। और प्रभु उसके साथ उस मनुष्य के घर गया। वहां जाने के बाद देखा कि सारे लोग रो रहे हैं, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, उसके गांव वाले सब उसके लिए रो रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। प्रभु ने सबों को बाहर निकाला, केवल अपने 3 चेलों को और बेटी के माँ बाप को अपने साथ लिया। और उस बेटी के पास जाकर प्रभु ने कहा, तलिता कुम, हे बेटी, मैं तुझे कहता हूँ उठ। और बाइबल कहती है तुरंत उसने आंखें खोली और वो जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन बातों से हम जानते हैं कि प्रभु के शब्द में कितनी सामर्थ है, कितनी ताकत है, कितना बड़ा सामर्थ उसके शब्दों में है। इन 3 घटनाओं के द्वारा हम जानते हैं। उसने जब ही लाजर को कहा, हे लाजर, बाहर आ जा, तभी लाजर ने कहां पर सुना? क्योंकि उसको मरकर 4 दिन बीत चुके थे। कहां होगी उसकी आत्मा? ऊपर सुखलोक में या धरती के नीचे अधोलोक में? पता नहीं उसकी आत्मा थी कहां पर, क्योंकि उसे मरकर 4 दिन हो चुके थे। इसका मतलब उसकी आत्मा धरती पर कहीं पर नहीं थी। वो ऊपर सुखलोक में या नीचे धरती के नीचे अधोलोक में कहीं भी हो सकती है, पर जहां कहीं उसकी आत्मा थी, प्रभु की आवाज उस आत्मा तक पहुंच गई, हे लाजर, बाहर आ जा। उसके शब्द में इतनी बड़ी ताकत थी, इतना बड़ा सामर्थ था कि लाजर का आत्मा जहां कहां था वहां से तुरंत झट से उसके शरीर के अंदर आ गया और वो जिंदा होकर बाहर आ गया। बेटे, मैं तुझे कहता हूं उठ, बेटी, मैं तुझे कहता हूं उठ। तभी उनकी आत्माएं कहां पर थी? यकीनन उस समय उनके शरीर में उनकी आत्माएं नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर लाश बन चुके थे। पर प्रभु के एक शब्द से जहां कहीं उनकी आत्माएं थी, तुरंत उनके शरीर में आ गई और ये लोग जिंदा हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सबूत था कि प्रभु के शब्द में कितना बड़ा सामर्थ है। ये सबूत था कि प्रभु के शब्द कितने सामर्थ से भरे हुए हैं, कितने ताकत से भरे हुए हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है, वह समय आता है, वरन अभी है, कि मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने शारीरिक रूप में लोगों को जीवित करके ये साबित कर दिया कि वो हमें आत्मिक रूप में बड़ी आसानी से जीवित कर सकता है। जितने सारे लोग प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, अपनी आत्मा में उसे ग्रहण करते हैं, वे सारे लोग आत्मा में जिंदा हो जाते हैं। जितने सारे लोग उस महान परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसे अपने दिल में ग्रहण करते हैं, वे सारे लोग आत्मा में जिंदा हो जाते हैं। और वे फिर दुनिया के किसी अंधकार से डरते नहीं है, वे फिर कभी निराश नहीं हो जाते हैं, और ना ही एक लाश को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। वैसा जीवित मनुष्य जो यीशु के वचनों के द्वारा जीवित बन चुका है, उसे शैतान की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लाश को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि लाश ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना अपने आप कुछ कर सकती, पर जीवित मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो अपने आप को संभाल सकता है, वो अपने आप की रक्षा कर सकता है। यदि हम यीशु के वचनों के द्वारा जीवित बन चुके हैं, यदि हम प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा जिंदा हो चुके हैं, तो शैतान की कोई भी आत्मा हमें निगल नहीं पाएगी, शैतान की कोई भी आत्मा हमारा विनाश नहीं कर पाएगी, शैतान की कोई भी ताकत हमें नष्ट नहीं कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन परमेश्वर के शब्द में है, जीवन प्रभु यीशु के वचनों में है। यदि आप जीवन चाहते हैं और आप एक सचमुच जीवित व्यक्ति बनना चाहते हैं, जिंदा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचनों को बहुत पढ़ें, बहुतायत से पढ़ें और उसे आत्मा में ग्रहण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के वचनों को बहुत पढ़ो, बहुत सुनो, उसको अपने आत्मा में ले लो, तो क्या हो जाएगा? आप आत्मा में जीवित बन जाओगे।
आप एक जिंदा व्यक्ति बन जाओगे, और जब आप जिंदा व्यक्ति बन जाओगे तब शैतान आपको डरने लगेगा। वो आपके पास आने के लिए भी डरेगा, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, वो आपका कभी विनाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप के कारण हम मर जाते हैं, पर प्रभु यीशु के वचनों में ये ताकत है कि उस वचनों के द्वारा हम जिंदा हो सकते हैं। यीशु कहता है जो सुनेंगे वे जिएंगे, इसका मतलब जो यीशु के वचनों को सुनेगा वही जीवित हो जाएगा, जो उस वचनों के ऊपर नज़रअंदाज करेगा वो कभी जिंदा नहीं हो सकता है। कितने सारे लोग ऐसी प्रार्थना को इसीलिए देखते हैं और इसीलिए ऐसी प्रार्थना सभा में जाकर भाग लेते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, उनकी परेशानी ठीक हो जाए, उनके जीवन में जो भी समस्या है उन सारी समस्याओं से उनको छुटकारा मिले। ऐसी प्रार्थना सभा को सुनने का, देखने का, उसमें सहभाग लेने का उनका एक ही मकसद होता है कि हमारे जीवन की परेशानी खत्म हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे आपका ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। आप शायद इस प्रार्थना सभा में इसलिए भाग लेते होंगे कि आपको डायबिटीज है और आपको ठीक होना है, आपको कैंसर है और आपको ठीक होना है, आपको HIV है और आपको ठीक होना है, आप जीवन में परेशान हो चुके हैं और आप शांति चाहते हैं, आप जीवन में तंग हो चुके हैं सारी समस्याओं के कारण और उन समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। पर ध्यान में रखो, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, आपके लिए सच्चाई में ये ज़रूरी है कि आप आत्मा में जिंदा हो जाए। आप चंगाई चाहते हैं, आप चंगाई पाएंगे, आप छुटकारा चाहते हैं, आप छुटकारा पाएंगे, पर यदि आपने प्रभु यीशु के वचनों को नहीं सुना और नहीं ग्रहण किया तो आप मरे हुए ही व्यक्ति रहोगे। प्रभु यीशु के द्वारा आपको जो चंगाई या छुटकारा मिल चुका है उसका आपको कोई फायदा नहीं हो सकता है। थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, बाद में आप फिर से शैतान के हाथ में जाओगे। आपके लिए, मेरे लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि हमें आत्मा में जीवित होना है, हमें आत्मा में जिंदा होना है। और जिंदा होने का रास्ता क्या है? यीशु कहता है जो उसके वचनों को सुनेंगे वे सारे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से प्रभु यीशु के वचनों को सुनो, बड़े ध्यान से प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ो। बाइबिल में जो परमेश्वर के महान वचन लिखे गए हैं उनको बड़े लगन के साथ पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ो, उनको ग्रहण करो। जितने आप पढ़ते जाओगे और जितने ये वचन आपकी आत्मा में आते जाएंगे उतनी आपकी आत्मा जिंदा होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, और शैतान की कोई भी ताकत आपको निगल नहीं पाएगी और शैतान कभी भी आपका विनाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इन अंतिम दिनों में सब जगह लाशें ही लाशें हो चुकी है, सब जगह लाशें दिख रही है, क्योंकि लोग डर रहे हैं, लोग डरते जा रहे हैं, लोग परेशान हो गए हैं, लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यीशु के वचन के अनुसार वे मृतक बन चुके हैं। पर हमारे लिए आशा है, हम उस महान परमेश्वर के वचनों को सुने। इन अंतिम दिनों में हम एक लाश के समान नहीं बल्कि एक जीवित मनुष्य के समान रहे। यदि हम लाश बन गए तो कोई भी आएगा और हमें फाड़ के खा डालेगा। हमें जीवित बनना है ताकि शैतान हमारा नुकसान नहीं कर पाए, हमारा विनाश नहीं कर पाए। इस धरती पर हम एक कामयाब आशीषों से भरा हुआ जीवन बिताए और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।